कैमरा तो इसका ऐसा है कि मुझे लगता है कैमरे को देखने के बाद इसका लगता है कि कोई कभी कोई कैमरा ख़रीदना ही नहीं पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना एक नया फ़ोन आया मेरे पास में। ये है IQOO और IQOO का 7 5G मॉडल है और इसको अपन लोग देखते हैं इसके पूरे फीचर्स के बारे में, इसकी कीमत के बारे में, इसे मैंने कहाँ से लिया है और इसके डब्बे के अंदर क्या क्या निकलता है। ये 2 डिब्बे में आया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इतना बड़ा डिब्बा जो IQOO का है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उसकी वेबसाइट से लिया है। आई थिंक उसकी वजह से इसमें इतना सारा चीज़ें मिली है। देखते हैं इसमें सब कुछ साथ में कि क्या क्या मिलता है इसके अंदर। आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले तो एक इसका बिल है, दूसरा कोरियर चार्ज का बिल है, दूसरा एक टैक्स, ये कोरियर वाला हो गया, एक टैक्स इनवाइस है जिसमें टैक्स पेड हुआ है, 4529 का टैक्स लगा इसमें। इसे करते हैं साइट पे IQOO की तरफ से, डियर कस्टमर, फेस्टिवल की आप लोगों को बधाई दी गई है, रक्षाबंधन की जो कि बीत चुका है, विथ लव एंड केयर, लगभग सभी फेस्टिवल के लिए एक साथ उन्होंने दे दिया मुझे। उसके बाद में जैसे आप सभी लोग जान रहे हैं कि कोरोना वायरस कितने देर के साथ अपना कहर ढाता रहा है और हम सभी लोगों को अच्छे अच्छे मास्क नहीं है, मास्क उसकी वजह से कंपनी ने एक ब्रांडेड अपनी तरफ से अपनी कंपनी के एक मास्क भी दे दिया है। काफ़ी ज़बरदस्त डोरी वोरी लगी हुई है इस पर और काफ़ी मजबूत मास्क दिख रहा है मुझे तो, ये कि काफ़ी 2-3 परत में वो भी कपड़े का है, ऐसा लग रहा है इसको पहनने के बाद मुझे कोरोना वायरस नहीं होगा। यहाँ पर इसके अंदर कुछ डला हुआ है सेट करने के लिए, और ये भी काफ़ी एडजस्टेबल है, यहाँ पे इसकी डोरी लेस वगैरह है। खैर इसे बाद में देखेंगे। इसके साथ में एक बिल्ला है आई क्विस्ट ऑन एंड ऑन, इसे हम लोग अपने टी शर्ट में लगा के घूम सकते हैं, इससे लोगों को पता चल जाएगा कुछ कुछ। इसमें इंडिया का लोगो लगा हुआ है और एक ये फंसाने के लिए आलपिन लगी है। इसके सब कुछ के बाद काफ़ी सेफ्टी के साथ आप लोगों के सामने आता है मेड इन इंडिया के तहत और हिंदी चीनी भाई भाई के तहत इसके अंदर चाइनीज़ तरीके से टैक्स इनवाइस और डिलीवरी का बिल आया हुआ था आई थिंक। और मुझे इसकी पैकिंग और डिब्बा तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आप लोग भी देख सकते हो। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी कीमत बताना चाहूँगा आप लोगों को। इसकी जो कीमत है वो 32,000 रुपीज़, लेकिन मुझे ICICI बैंक के कार्ड से लिया हूँ तो मुझे इसमें डिस्काउंट मिला है, जो कि डायरेक्ट 2000 का, 30,000 का मुझे मिला है। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ये इस फ़ोन की खासियत बहुत सारी हैं, काफ़ी यूनिक है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वीवो कंपनी से बनाती है, जो काफ़ी बड़ी ब्रांड है ऑलरेडी मोबाइल के सेक्टर पे। आप लोग देख सकते हो IQOO 7 डिब्बा काफ़ी स्टाइलिश है, आधा तिकोने टाइप से पैकिंग है इसके अंदर। डिब्बे के अंदर फिर से एक ज़बरदस्त चीज़ है, मॉन्स्टर इनसाइड। ओ ये काफ़ी अच्छी नोटबुक दी गई है, इसमें सिम रिमूवर है, इसमें शायद सिर्फ इतना ही है। मेनली इन बुक्स की वजह से डिब्बे की थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाती है और फ़ोन थोड़ा सेफ रहता है, गिरता पड़ता है तो टूटता उठता नहीं है। ओ वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, मैं इसे कहूँगा मेरा ड्रीम फ़ोन हो सकता है। इसे थोड़ा सा पेशेंस रख के खोलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं इस डब्बे के अंदर देखने क्या क्या है। एक केस है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है मुझे तो, टाइप सी चार्जर है, टाइप सी केबल है, एक अडॉप्टर देखते हैं कितने वॉट का है, ईयरफोन ब्लूटूथ कुछ नहीं दिया है। आप लोग इसे देख सकते हो, ये 240 वोल्ट का है, 5 वोल्ट, 9 वोल्ट, 11 वोल्ट, 5 एम्पियर मैक्सिमम 11 वोल्ट और 20 वोल्ट और 3.3 एम्पियर मैक्सिमम, मतलब जो फ़ोन हो, मतलब कि आप 5 वोल्ट से लेके
टू एम्पियर वाले फ़ोनों से लेके 5 एम्पियर वाले मैक्सिमम फ़ोन तक को इसे चार्ज कर सकते हो। बोला था कि करीब 66 वाट का इसमें चार्जर दे रही है। ऐसे इसकी वेबसाइट भी मैंने पढ़ा था, वो तो इसमें डायरेक्टली मुझे पढ़ने के लिए नहीं मिला। आप लोग देख सकते हो उसकी साइड की फिनिशिंग वगैरह कितनी ब्यूटीफुल टाइप की है। इसे ऑन करते हैं अपन लोग। IQOO 5G ऑन हो चुके हैं। अभी तक सब लोग जानते हैं, जैसे कि मेरे पास Realme 5 फ़ोन था और ये का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो 2 साल पहले बनाया था। इसके कई सारे फीचर्स के बारे में अपडेट देता रहता था, जो कि अब काफ़ी पुराना हो चुका है और इसमें मुझे मैं चला चला के भी थक चुका हूँ, थोड़ा बोर हो गया था। लेकिन मैं कंपनी और ब्रांड दोनों चेंज करना चाहता था, इस वजह से मैंने एक नया फ़ोन मंगाया। मैं सारा कुछ एग्री करके आप लोगों को फटाफट दिखा देता हूँ, इससे आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। अभी मैं ऑनलाइन सेटअप कर देता हूँ इसका, सबको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, अभी लॉक भी नहीं करता हूँ। और वैसे मैं बहुत जब बार फ़ोनों को इसकी थीम वगैरह काफ़ी अच्छी है। इसमें मुझे सबसे मस्त चीज़ देखने के लिए जो मिल रही है वो ये है कि इसका कैमरा है, इसके चारों तरफ भी डिस्प्ले है। इसका ब्राइटनेस अभी करते हैं टेम्परेरी फुल, जिससे देखने में मज़ा आ रहा है। AMOLED डिस्प्ले के साथ में इसमें कुछ चाइनीज एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैक्स टकाटक साथ में दे रहा, शेयर चैट, स्नैपचैट जो इंडिया में लीगल हैं। और इसकी सेटिंग पे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। बैटरी दिखा रहा है 31% है, सिस्टम दिखा रहा है, प्राइवेसी कुछ इसका अबाउट पे चलते हैं। प्रोसेसर है 3.2 GHz स्नैपड्रैगन 870 ऑक्टा कोर, रैम 8+3+GB मतलब 8GB है, 3GB अपग्रेड कर सकते हैं। 128GB इसमें इंटरनल मेमोरी, पुराने वाले फ़ोन में 128GB थी। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन स्टेटस लीगल पॉलिसी अभी। इसकी स्पीड चलाने में काफ़ी अच्छी, इसकी कुछ चीज़ें बहुत ही ख़ास है और वो हैं, मैं आप लोगों को बताऊँ। इसका एक तो वीडियो मोड पे वीडियो स्टेबलाइजेशन का फंक्शन है, मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो गिम्बल का वो वक्त आपको इस्तेमाल ना करना पड़े। वीडियो सेटिंग पे था, मैंने इसकी वेबसाइट पे पढ़ा हुआ था। और मुझे लेंस लगा हुआ है गूगल का, वो 598 है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। बट कैमरा तो काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। इसमें मैं किसी मछली की रिकॉर्डिंग करता हूँ, अब तो देखें इधर कैमरा तो इसका ऐसा है कि मुझे लगता है कैमरे को देखने के बाद इसके लगता है कोई काफ़ी कोई कैमरा खरीदना ही नहीं पड़ेगा। आप लोग भी देख सकते हो, जैसे वीडियो स्टेबलाइजेशन भी होगा तो मुझे तो गिम्बल भी लेने की जरूरत नहीं है। सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में वीडियो सेटिंग पे तो कुछ वीडियो स्टेबलाइजेशन वाला सिस्टम मिल नहीं रहा। मोर पे जाता हूँ, स्लोमो है 48 है, लाइव फोटो प्रो, इसमें वीडियो पे एक फ़ोटो क्लिक करके देखता हूँ फरी फ़ोटोज़ पे कि इसकी फ़ोटो जो मछलियाँ हिल रही हैं उस पर इसका हिलती हुई मछलियों की कैसी कैसी फ़ोटोज़ आती हैं। अब देखते हैं इनको,
आप लोग देख सकते हो मछलियाँ हमेशा हिलती रहती हैं, उसके बाद भी इनका कैमरे स्टेबलाइज करके फ़ोटो खींचा हुआ है। और मैं हाथ से भी यहाँ इस वाली फ़ोटो पे हिला रहा था, उसके बाद मैंने क्लिक की थी और इसे मैंने नॉर्मल मोड पे क्लिक की थी। तो मैं तो यही कहूँगा कि बेहतर है रियल मी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो मैं यही कहूँगा कि बट अभी मुझे जो चीज़ चाहिए थी एक चीज़ तो मिल नहीं रही है। अच्छा सॉरी, स्टेबलाइजेशन वाला मोड यहाँ पे, स्टेबलाइजेशन अल्ट्रा स्टेबल, स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन अल्ट्रा स्टेबल करते हैं, वीडियो एक रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग देख सकते हो कैमरे में स्टेबलाइजेशन स्टेबल कितना है। इसके साथ में जूम करके देखते हैं, रिकॉर्डिंग के साथ में जूम नहीं होगा, जो कि डिजिटल कैमरों में होता है बट फ़ोन के कैमरों में किसी में भी नहीं होता। आई थिंक इस पर भी नहीं दिया है, बट इसकी पिक्चर की क्वालिटी और लेंस की क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। ऑटो फोकस परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगर आप लोग चाहें तो मैं इसका और DSLR कैमरे का भी, कैनन M50 मिररलेस कैमरे वगैरह से भी इसका वो देख सकता हूँ, कंपैरिजन करवा सकता हूँ। फ्रंट कैमरा आप लोग देख सकते हो, मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी दिख रही है। फ़ोटो पे चलते हैं, सेल्फ़ी कैमरा आप लोग देख सकते हैं कैसा दिख रहा हूँ मैं इसमें, भूत जैसे दिख रहा हूँ ना, मैं भूत बन गया। इसमें जूम करते हैं अपन लोग, ओ माई गॉड, जूम तो कुछ ज़्यादा ही सॉलिड है, इतना जूम तो कहा जाए। इसका फ्लैश ऑन करके देखते हैं कैसा है पीछे की डिज़ाइन, काफ़ी सुंदर है। कवर लगा के देखता हूँ कवर कैसा फिट आता है। कवर आई थिंक ऐसे होना चाहिए कि उसकी कैमरे में स्क्रैच ना पड़े, कैमरा स्क्रैच नहीं पड़ रहा है। सिम रिमूव करके तो अपन लोगों ने देखा नहीं कि सिम वाले पोर्ट पे इसका क्या क्या सिस्टम दिया हुआ है। एक तो ये सॉरी ये माइक वाला होल है, इसमें कभी पिन विन मत डाल दीजिएगा नहीं तो आपका माइक भी खराब हो जाएगा। रिंगर है, वन टू, सिर्फ आप वन और टू सिम लगा सकते हैं आई थिंक, और इस पर आप मेमोरी कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, ये एक प्रॉब्लम है आई थिंक मेरे लिए, क्योंकि मुझे मेमोरी कार्ड की सख्त ज़रूरत पड़ती है। एक सिम नीचे लगेगी, एक सिम ऊपर लगेगी, मॉन्स्टर फ़ोन है। आप लोगों को मेरा फ़ोन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी इसकी स्क्रीन में दिया हुआ है, उसे भी मैं देखता हूँ कि कैसा वर्क कर रहा है, उसे भी तो दिखाना ज़रूरी है। और सिक्योरिटी पे चलते हैं, डिस्प्ले पे ले रहा है। मैं डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाला पहला फ़ोन यूज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ आई थिंक अपनी लाइफ में। मैंने जितने भी फ़ोन यूज़ किए थे वो सभी के सभी बैक साइड में फिंगर थे उनके, डन हो चुका है। और इसकी स्पीड देखते हैं, काफ़ी अच्छी स्पीड से खुल रहा है, वो भी जैसे लाइट बंद है कुछ तो करे नहीं।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे, और कोई कमी रहेगा भी मुझे इसमें बताने को तो उसके लिए ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतने, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।